नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन, ताबड़तोड़ खबरें। चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो 72% वोट के साथ देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके निवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीतने की उनको बधाई दी। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। के चेहरे के आधार पर बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंध मारी है। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों में 121 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने का दावा भी किया जा रहा है। खासतौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग का दावा किया जा रहा है जहां कांग्रेस सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में। 2022, 23 और 24 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी बनी हुई है। दिलचस्प ये है कि मुर्मू की जीत के जश्न को जिस तरह से देश भर में भाजपा मना रही है, यह भी एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है। पीएम मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा संदेश देगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गंभीर चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति में रहने की बात कही है। BOB एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में आज संबोधित करते हुए RBI गवर्नर ने कहा है कि गंभीर वैश्विक परिदृश्य के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले हफ्ते तक यूपी के लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब बारिश हुई तो हाहाकार मच गया है। चित्रकूट में गुरुवार को हुई भारी बारिश से सैलाब आ गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से परमहंस आश्रम धारकुंडी में पानी की धारा फूट पड़ी है। आगरा में बारिश के कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। बताया जा रहा है कि कार की वाइपर नहीं चलने से शीशे में धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रायबरेली में पंजाब मेल गाड़ी में एक अधेड़ का शव मिला है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ऑटो पलट गया। हादसे में मासूम समेत महिला की भी मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर की खागा तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरुखाबाद में कर्ज में डूबे पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने सिर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। झांसी के प्रेमनगर पुलिस ने पानी की टंकी के स्टाफ रूम में बैठकर लूट और डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को तमंचा कारतूस के साथ दबोच लिया है। पकड़े गए बदमाश शातिर बताए जा रहे हैं। SP सिटी विवेक त्रिपाठी ने खुलासा करते हुए बताया है कि SSP शिवहरी मीना ने निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के टेढ़ी पुलिया चौराहे से अंतर्राज्य स्तर पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर पुलिस ने गिरोह के 2 मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया है। 2021 से अभियुक्त फरार चल रहे थे। कुशीनगर में थाईलैंड का एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर भगवान शिव के प्रति अपार आस्था है। इन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया है और अपने परिवार और लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। इटावा के भरथना हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तेल की पाइपलाइन काटने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया है। पाइपलाइन में कट लगाकर तेल चुराने वाले गैंग के मुख्य अभियुक्त समेत 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में चलने वाली एक सरकारी बस की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें यात्री बस में छाता लगाकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर परिवहन विभाग के अफसरों में खलबली मची हुई है। गुना में HSA ड्यूटी के दौरान सोते हुए दिखे गए HSA का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो HSA अली अहमद रिजवी का है। वहीं CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग में खराबी कराने का SRO पर आरोप है। वहीं अक्सर ड्यूटी खत्म होने के पहले SRO पर गायब होने का भी आरोप लगा रहता है।
बरेली के बरादुरी थाना क्षेत्र में सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख समुदाय के बच्चों का तुगलकी फरमान सुनाया है। स्कूल के फरमान के मुताबिक अब कोई भी सिख बच्चा स्कूल में पगड़ी, कृपाल या फिर हाथ में कड़ा पहनकर नहीं आएगा। स्कूल के फरमान के बाद भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग स्कूल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। गोरखपुर में आदिवासी समाज की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। पूरे देश के साथ ही गोरखपुर में भी उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गोरखपुर के वनटांगिया आदिवासी समाज के लोग खुशी से झूम उठे हैं। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में धान के खेत में अज्ञात शव बरामद किया गया, जिसके बाद सूचना पर मौसी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की। फतेहपुर में गांव से एक बार फिर से मगरमच्छ निकला है। मगरमच्छ निकलने से गांव में हड़कंप मच गया है। बता दें कि गांव के किनारे बने तालाब से कई बार मगरमच्छ बाहर आ चुका है। नोएडा के डूब क्षेत्र में बने अवैध फर्नीचर मार्केट पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। बता दें कि यह मार्केट नोएडा सेक्टर 122 के पास काफी सालों से बसा हुआ है और फर्नीचर की दुकानें काफी लंबे समय से इसमें चलाती आ रही है। फरुखाबाद के राष्ट्रपति पद पर भाजपा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत होने पर भाजपाइयों ने जश्न मनाया। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाइयों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी चलाकर जश्न मनाया। भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का इजहार भी किया। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र में इब्राहिमपुर गोपालपुर में क्षेत्र के बच्चों नवयुक्तों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए हबीबी ने सेंटर खोल रखा है, जिसमें बारी बारी गोली भरकर बच्चों से हवाई फायरिंग कराई जा रही है। भदोही के उंज थाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्मार्ट सिटी के चौड़ीकरण हेतु अलीगढ़ के मशहूर मार्केट अमीनिशिया के सामने रोड किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी को नगर निगम ने अधिकारियों ने जेसीबी मशीन से हटाकर चौड़ीकरण कराया जा रहा है। वहीं झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे गरीब परिवारों ने घर उजड़ने का विरोध किया है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर बीजेपी मिर्जापुर अनुसूचित मोर्चा के मोर्चा प्रभारी कौशल श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में संकट मोर्चा हनुमान मंदिर में पूजा पाठ भी की गई और लड्डू भी बांटा गया। इस दौरान बीजेपी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजियों से जश्न मनाया। गोपीगंज थाना क्षेत्र में 18 साल की युवती की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में बूढ़े नाथ मंदिर में बारिश के दौरान मल मूत्र प्रवेश होने पर पालिका प्रशासन के खिलाफ महंत योगी जी ने मोर्चा खोल दिया है और आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मंदिर के महंत गिरी बाबा ने कहा है कि पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल धर्म प्रेमी योगी और मोदी की छवि के साथ भाजपा पार्टी की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। अलीगढ़ के पलीमुकीमपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में दो दिन पहले गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने अब आरोपियों को पकड़ लिया है और जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोविड 19 मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार कोविड के मामले को लेकर गंभीर है और जरूरत पड़ने पर जरूरी सख्त कदम भी उठाएगी। देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने शहर के बीचों बीच चल रहे एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। इस कॉल सेंटर में एंटीवायरस, कंप्यूटर अपडेट और अन्य कई टेक्निकल चीजों पर लोगों को फंसा कर मोटी रकम वसूली जा रही थी। उत्तरकाशी जिले में बारिश मुसीबत बनी हुई है। नाले और नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं उफनते नाले को पार करके बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। जिले में आज से 3 दिन तक के लिए बारिश के लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिले में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
उत्तरकाशी के नौगांव विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज में बारिश होने की वजह से बच्चे स्कूल में फंस गए हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को घर भेजा। इतनी तेजी से बारिश हो रही थी कि बच्चों को बरसाती नाले को पार करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद अध्यापकों ने बच्चों को नाला पार करवाया। हल्द्वानी के लालकुआं में नगर पंचायत की ओर से केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत गरीबों को 100 आवास वितरित करने के कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत का एक भी सभासद नहीं पहुंचा था। इस दौरान कार्यक्रम काफी देर तक स्थगित भी रहा, जमकर हंगामा होता रहा। रुद्रप्रयाग के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरकोटा में चल रही पुल निर्माण की शटरिंग पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। आगरा के थाना नगर सदर के मथुर नगर चौराहे पर एक डंपर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रक का ड्राइवर झुलस गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ी और पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। डंपर के ड्राइवर को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक सर्किट हाउस में हुई है। इस बैठक में निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और लार्सन एंड चूबू टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक से पहले निर्माण समिति के चेयरमैन ने रामनगरी की योजनाओं और महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के अनवा गांव में एक धमकी से भरा पत्र मिलने से दहशत फैल गई है। पत्र लिखने वाले ने खुद को आतंकी संगठन का सदस्य भी बताया है। पत्र में भारत सरकार और गृह मंत्रालय का भी जिक्र किया गया है। चार पन्नों का धमकी भरा पत्र चार भाषाओं में लिखा गया है। वहीं पूरे इलाके में दहशत फैलने से सुरक्षा के नजरिए से गाँव में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में घुस गया। इस हादसे में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे पुलिस ट्रक चालक हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वाराणसी में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर डायरी गायब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा वाराणसी के कैंट थाने में 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में केस डायरी को गायब कराने के आरोप में दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी पर 120 बी और 409 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके साथ ही कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बताया गया है। कानपुर के कल्याणपुर के मकड़ीखेड़ा में भाजपा पार्षद विजय निषाद के भतीजे विशाल पुराने विवाद में दबंगों ने गोली मारी और बाद में ईंट से सिर कुचल कर निर्मम हत्या कर दी। क्षेत्रीय लोगों ने पार्षद को मामले की जानकारी दी। पार्षद की सूचना पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उसे हैलेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ थाना के अंतरौली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रुद्रप्रयाग में भेड़ पालकों की आराध्य देवी और मधमहेश्वर घाटी के राकेश्वरी मंदिर झांसी में विराजमान मणगाई लोक जात यात्रा का आज हो रहा है आगाज। लोक जात यात्रा प्रथम यात्री प्रवास के लिए सरनियारा पहुंच चुका है। 26 जुलाई को यात्रा के राकेश्वरी मंदिर रांची पहुंचने पर समापन होगा। हरिद्वार से गंगा का पवित्र जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों ने दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग की एक तरफ पूरी कर ली है। शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वहीं शिव पार्वती की पोशाक पहने दिल्ली और हरियाणा के कलाकार जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। वहीं कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
फरुखाबाद में एसओजी की टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें इनामी इंस्टीट्यूटर बदमाश के पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने आनंद फानल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के पास नेशनल हाईवे 135 पर पिकअप वाहन पलटने से घायल हो गया व्यक्ति, जिसमें 16 कांवरिये घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फरुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र के स्कूल में टीचर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। स्कूल में बच्चों को अध्यापक ने किताबों के बदले झाड़ू थमा दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाह धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट संभागर में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने शहर के मंदाकिनी गेस्ट हाउस में आयोजित खरीफ गोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। श्रावस्ती में जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कब्रदास से नाबालिग लड़की के शव को निकाला गया है। मौके पर सिरसिया पुलिस भारी बल के साथ मौजूद रहा, शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। श्री बद्री केदार मंदिर समिति में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीकेटीएस के सदस्य आशुतोष दिल्ली ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कानूनी नोटिस भेजने की बात भी कही है। दिल्ली का कहना है कि मेरी शिकायत 100% सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है कि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देश में एक के बाद एक बूंद जल संरक्षण हो रहा है, गांवों को अमृत सरोवर से जोड़ा जा रहा है, वहीं सरकार के प्रयास में सुधार हुए हैं। आगरा के जयपुर हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसे में कंडक्टर घायल भी हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में प्याज की खेती रवि के मौसम में की जाती है। पिछले कुछ सालों से प्याज की खपत बढ़ गई है, जिसके चलते प्याज का दाम भी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते प्रदेश सरकार की ओर से ये नए निर्णय लिए गए हैं कि खरीफ के मौसम में भी लोगों को निःशुल्क बीज देकर खरीफ की पौध तैयार की जाएगी। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे पर पौधा उगने लगे हैं। दीवारों पर पौधे उगने से दीवार पर दरारें भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों का विधायक इमारत की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। महोबा में सरकारी अस्पतालों के बाहर संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर से लाखों की कीमत के अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई गई हैं। कमीशन खोरी के कारण इन मशीनों का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। शिकायत मिलने पर सीएमओ ने जांच के सख्त आदेश भी दिए हैं। मंडाली जिले में जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में डॉक्टरों और स्टाफ की रिश्वतखोरी करने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डॉक्टर चश्मा बनाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ के अतरौली तहसील में कोर्ट पहुंचे पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमरोहा में कोरोना के मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है। सीएमओ ऑफिस में तैनात डॉक्टर समेत 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 20 हो गई है। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। इटा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एडिशनल एसपी कालू सिंह ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ घर पकड़ अभियान चलाया। एसपी के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस ने अभियान के दौरान हजारों लीटर शराब बनाने की लहन को नष्ट किया है। अमरोहा के आजाद रोड में 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई है। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मथुरा के थाना परह क्षेत्र में देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर के औक थाना क्षेत्र में पुलिस से हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।